फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ ये जो वाटर मार्क होता है कैमरा का, है सैमसंग के डिवाइस में। तो इस सैमसंग के डिवाइस में जो वाटर मार्क, उसको कैसे आप रिमूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप फोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है सैमसंग का जो वाटर मार्क आ जाता है। तो इस वीडियो के अंदर यही से बात करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में घंटी का ऑप्शन आया तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं कैसे कैमरा वाटर मार्क को रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। अगर यहाँ पे, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ नहीं जाना है, ये कैमरा के सेटिंग में जाना होगा हमें। तो ये रहा सेटिंग का ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैमरा वाटर मार्क का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, फिलहाल यहाँ पे भी नहीं है, तो थोड़ा और करेंगे। तो यहाँ पे सबसे नीचे जाएंगे तो आपको कैमरा वाटर मार्क का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ से ये ऑफ़ कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहे तो अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं कैमरा वाटर मार्क का। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।